गर्मी शुरू हो गई है दोस्तों, और गर्मी शुरू होते ही हमारे घर में चूहे जो है अपना बिल बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो मक्खी होते हैं, मच्छर हैं, या फिर कॉकरोच हैं, चींटी है, या फिर इनके अलावा बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो हमारे घर में छुपे होते हैं, जिनका हम नाम भी नहीं जानते, पर वो हमारे घरों में जगह बनाते रहते हैं। और इन इंसेक्ट से, इन चूहों की वजह से हमारे घर में जो है बीमारियों का आवागमन शुरू हो जाता है। कभी ये हमारे घर के खाने पे बैठते हैं, कभी हमारी स्किन पर बैठते हैं, या फिर कभी जो है कहीं किसी चीज का नुकसान करते हैं। चूहे तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, आज इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारे इंसेक्ट्स और रैट से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही शानदार से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिनसे आप चूहों से या फिर बाकी कीड़ों मकोड़ों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले जो तरीका मैं बता रही हूँ वो स्पेशली चूहों के लिए है। चूहों से बचाव के लिए हम जो है आज यूज करने वाले हैं तंबाकू का। जी हाँ, इस तंबाकू से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये वैसे तो बहुत डेंजरस होता है, पर यहाँ पर हमें इसे खाना नहीं है। मैं आपको सजेस्ट ये भी करूंगी कि जो लोग खाते हैं प्लीज वो भी खाना कम कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। हमें चाहिए होगी देशी वाले तंबाकू, देशी तंबाकू जिसे लोग हथेली पर इस तरीके से ठोक कर खाते हैं, चूने के साथ मिलाकर खाते हैं। तो ये जो काम जो है हमें जो है करना है तंबाकू के साथ, तंबाकू लेना है मार्केट में, इस तरह का आपको 10 रुपए का पैकेट मिल जाएगा। इससे हम आराम से चूहे की दवाई बना सकते हैं। तो ये तंबाकू की जो स्मेल होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा तीखी होती है, और चूहे हमेशा क्या होते हैं कि जो तीखी स्मेल होती है उनसे दूर भागते हैं। तो आज जो ये रेमेडी मैं बना रही हूँ इस तंबाकू से बनाएंगे। तंबाकू स्क्रीन पर दिखाने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैं जो है इसका कोई प्रमोशन कर रही हूँ, हमें सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल तंबाकू चाहिए। तो आप तंबाकू किसी भी तरीके का खुला भी ले सकते हैं, मेरे पास ये पैकेट अवेलेबल था, मैंने इसको मंगाया है ये वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस तंबाकू का कुछ ऐसा रूप है, ये इस तरह से टूटे हुए टुकड़ों में आते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से तंबाकू को निकाल लेते हैं, बाकी का जो पैकेट बचा है इसे अच्छे से लपेट कर रबड़ लगा कर रख दें, जिससे इसकी स्मेल ना निकले और बाद में ये चूहों की दवाई बनाने के काम आएगा। तो यहाँ पर हमने जो है तंबाकू ले लिया है। तंबाकू के बाद हमें चाहिए होगी इस तरह से नेफ्थलीन बॉल्स, जिनको हम फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं। कई जगह मार्केट में ये नेफ्थलीन बॉल्स के नाम से मिलती हैं, कुछ लोग फिनाइल की गोली कहते हैं, कुछ लोग इसे कपड़े में रखने वाली गोली भी कहते हैं। ये जो गोलियां होती हैं ये इंसेक्ट को मारने में बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, साथ ही इनकी खुशबू बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर इसके संपर्क में कोई भी कीड़े मकोड़े आते हैं तो वो जो है या तो दूर भाग जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। ये नेफ्थलीन बॉल्स बहुत काम की होती हैं, हम इनको अक्सर टॉयलेट्स वगैरह में भी डालते हैं, उनके पॉट में डालते हैं या फिर वॉश बेसिन में डालते हैं, कपड़ों में रखने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। हम लोग कपड़े में रखते हैं, कपड़े से बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ ही कपड़ों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते। तो हमें यहाँ पर इस तरह से फिनाइल की एक गोली चाहिए। तो एक गोली सफिशियंट है, आप एक बार में जो एक पोटली हम बना रहे हैं वो उसमें एक गोली ही काम आएगी। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच भर के तंबाकू के साथ हमें यहाँ पर फिनाइल की एक गोली चाहिए। इस फिनाइल की गोली को तंबाकू के साथ ही रख देते हैं। अब इसके बाद से हमें चाहिए सूती मलमल का कपड़ा, एकदम पतला कपड़ा चाहिए होगा, जिससे कि खुशबू जो है आर पार हो सके, यानी कि कपड़े में अगर हम कोई पोटली बना रहे हैं तो वो खुशबू आर पार हो सके। हम यहाँ पर तंबाकू और एक फिनाइल की गोली डालकर, यानी कि एक नेफ्थलीन बॉल्स डालकर यहाँ पर इस सूती कपड़े की एक पोटली बनाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कपड़ा कितना ज्यादा हल्का है। इसी तरह का कपड़ा आपको लेना होगा, मलमल का कोई भी पुराना कपड़ा चलेगा। और उसके बाद से इस तरह से इसकी एक सिंपल सी पोटली बना लें, सिंपल सी पोटली बांध कर रख लेनी है, और ये पोटली काम आएगी चूहों को भगाने में। जी हाँ दोस्तों, ये पोटली बहुत इफेक्टिव है। जहां भी आपके घर में चूहे आ रहे हैं, जैसे अगर किचन में आ रहे हैं तो आप एक पोटली उस जगह पर उस बिल के पास रखते जहां पर चूहे ज्यादा आते हैं, या फिर अगर चूहे आपके कपड़ों को काट रहे हैं, आपको लग रहा है कि अलमारी के आसपास घूम रहे हैं, तो वहां भी आप एक पोटली डाल दें। तो इस तरह से 4-5 पोटली बनाकर 10 रुपए के अंदर ही आप जो है पूरे घर से चूहों का सफाया कर सकते हैं। ये पोटली आप घर के अलग अलग कोनों में रखिए, फिर देखिए कि कैसे इसकी गंध से चूहों का दम घुटता है और वो उस जगह पर आना ही छोड़ देते हैं। तो ये पोटली बहुत ही कारगर होती है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रेमेडी के तरफ, जिसमें मैंने बताया है कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, किसी तरह की चींटी या फिर किसी भी तरह के जो कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका सफाया हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी कपूर की छोटी छोटी टिकिया, या फिर अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो एक बड़ा कपूर सफिशियंट है। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी टिकियां हैं तो मैंने यहाँ पर 5 टिकियां लेकर रखी हैं। कपूर की जो स्मेल होती है वो बहुत तेज होती है। कपूर वैसे तो मोस्टली हमारे घरों में पूजा के काम आता है, हिंदू घरों में कपूर जो है आरती वगैरह करने के काम आता है। कपूर हर घर में मिल जाता है, अगर आपके पास देशी कपूर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल कोई सा भी कपूर यूज कर सकते हैं। कपूर हम यहाँ पर लेंगे 5 टिक्की। कपूर के साथ ही साथ हमें जो है चाहिए होगा
नेफ्थलीन की गोली यानी कि फिनाइल की गोलियां जिनको मैंने अभी आपको पिछले रेमेडी में दिखाया था, मैं यहाँ पर इन दो गोलियों का यूज कर रही हूँ। कपूर और फिनाइल की जो गोलियां हैं दोस्तों वो बहुत ही हार्ड स्मेल की होती हैं, कीड़े मकोड़ों के लिए तो ये वरदान की तरह काम करती हैं। अब हम यहाँ पर छोटा सा मोटर पेस्टल लेंगे और इसमें अच्छे से इन चीजों का पाउडर बना लेंगे। बहुत अच्छा पाउडर हमें तैयार करना है। अगर आपके पास मोटर पेस्टल नहीं है तो फिर आप मिक्सी के जार में भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका बहुत बढ़िया से पाउडर तैयार किया है, कुछ ऐसा ही पाउडर हमें रेडी करना है। तो कपूर की टिकियां और दो फिनाइल की गोलियों से ये इतना हमारा दो बड़े चम्मच भर के पाउडर रेडी हुआ है। अब इसके बाद से क्या चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक स्टील का बर्तन लिया है, आप कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूंगी 1.5 गिलास के लगभग पानी। तो यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ने मैंने नाप कर रखा था, 1.5 गिलास पानी डाल देते हैं। और उसके बाद से इसमें 1 बाय 1 करके मैं कुछ ऐसी चीजें डालूंगी जिनसे जो है कीड़े मकोड़ों का बहुत अच्छे से सफाया होता है। तो सबसे पहले जो है इस पानी में हम डालने वाले हैं 1 बड़ा चम्मच भर के नमक। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो नमक आपके किचन में खाने में यूज होता है, किसी भी कंपनी का हो कोई इशू नहीं है, नमक आप ले लीजिए। तो 1 खाने वाला चम्मच भर के मैंने नमक ले लिया है। तो मैं यहाँ पर रेशियो आपको स्क्रीन पर भी लिखती जाऊंगी, साथ ही आपको बोलकर बताती भी जाऊंगी। तो 1.5 गिलास पानी में मैंने 1 खाने वाला चम्मच भर के नमक लिया है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा विनेगर, सिंथेटिक व्हाइट विनेगर जो हम चाइनीज खाने में यूज करते हैं वो विनेगर। ये विनेगर बहुत तेज स्मेल का होता है, साथ ही जो है एंटीबैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होता है। तो यहाँ पर विनेगर हम लेते हैं, विनेगर को मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी विनेगर कितना चाहिए। तो यहाँ पर इसी खाने वाले चम्मच से भरकर मैं यहाँ पर 5 टाइम्स नापूंगी, यानी कि 5 खाने वाला चम्मच भरकर हमें विनेगर चाहिए। विनेगर अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 बड़े नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो आप 3 से 4 चम्मच नींबू का रस यूज कर लीजिए। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो पानी में जाते ही दोनों चीजों के पानी का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन दोनों चीजों को मिला लेते हैं। दोनों चीजें काफी बढ़िया तरीके से घुल चुकी हैं। अब इसके बाद से हमने कपूर और फिनाइल की गोली का जो पाउडर तैयार किया था वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और इनको डालने के बाद आपको चम्मच को अच्छे से थोड़ा सा 2 से 3 मिनट चलाना है। 2 से 3 मिनट चलाने से होगा ये कि जो चीजें हमारी कपूर और फिनाइल की गोली का पाउडर ये अच्छे से घुल जाती है। ये तुरंत नहीं घुलती पानी में, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से चलाना पड़ेगा। 2-3 मिनट बाद जो है इस तरह से फिनाइल की गोली का जो है पाउडर जो है वो थोड़ा सा ऊपर तैरने लगता है। इसके साथ ही साथ हम लेंगे डिटॉल। डिटॉल घरों में आमतौर पर अवेलेबल होता है, डिटॉल बहुत ज्यादा नहीं लेना है। डिटॉल का जो ढक्कन है उससे हम 1 ढक्कन भर के लेंगे। डिटॉल आपको पता है दोस्तों कि एंटीबैक्टीरियल होता है, साथ ही घरों में जो है कीटनाशक का काम करता है। इससे हम कपड़े भी धुलते हैं पानी में डालकर, बच्चों के कपड़ों में जम्स होते हैं उन कपड़ों को भी साफ करते हैं, साथ ही घर में पोछा वोछा लगाने के काम आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 ढक्कन भर के डिटॉल ले लिया है। डिटॉल जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, स्पेशली इंसेक्ट के लिए, किसी भी तरह के जर्म्स के लिए। डिटॉल के डालने के बाद इसको, इस सॉल्यूशन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पर जो हमारी फिनाइल की गोली जो होती है उसका जो पाउडर होता है वो पूरी तरह से अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है इसको हम मिक्स करेंगे 4 से 5 मिनट तक, जिससे अच्छे से ये घुल जाएगा। पर अभी मैं एक चीज ऐसे इसमें डालने वाली हूँ जिससे हमारा ये पूरा पाउडर बहुत अच्छे से डायल्यूट होने वाला है। तो वो चीज क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जो लास्ट चीज मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है 1 खाने वाला चम्मच भर के बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा, जिसको कि मीठा सोडा भी बोलते हैं, और अक्सर क्लीनिंग के लिए ये विनेगर के साथ यूज किया जाता है। अब यहाँ पर खाने वाला सोडा डालते ही जब हम इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हमारी जो फिनाइल की गोली और कपूर का पाउडर है, विनेगर भी है, तो इन सारी चीजों के साथ कैसे ये रिएक्ट करता है। और आप देख रहे हैं पूरी तरह से जो ऊपर का एक लेयर है उसका कलर ही चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये है, ये जो सोल्यूशन मैंने तैयार किया है ये बहुत हार्ड है, साथ ही बहुत ज्यादा कारगर भी है इस तरह से इंसेक्ट वगैरह पर। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इस पानी से बहुत तेज स्मेल आती है, बहुत ही तेज स्मेल आती है जिससे कोई भी कीड़ा मकोड़ा टिक ही नहीं सकता। इस तरह से इस पानी को आप किसी प्लास्टिक या स्टील के बर्तन में ही तैयार करिएगा। अच्छे से आप पहले खुले मुंह के बर्तन में तैयार करिएगा, फिर इसको यूज कैसे कैसे किन किन तरीकों से करते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इस सोल्यूशन को बनाकर आप पहले आधे घंटे तक छोड़ दें, तभी किसी बर्तन में भरें। इसे आप किसी स्प्रे वाले इस तरह के बॉटल में भर सकते हैं जिसमें कि इस तरह के हमारे पंप वाले होते हैं जिनसे थोड़ी सी सफाई आसान होती है, या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर या फिर सोडा वगैरह की बॉटल होती है, वो बॉटल हमारे घर में अक्सर पड़ी होती है प्लास्टिक की बॉटल, उसमें भी भरकर हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के बॉटल में डालना है यानी कि खुले मुंह के बॉटल में, तो आपको सोल्यूशन को छानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी छानने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप स्प्रे पंप वाले बॉटल में इसको फिल कर रहे हैं
तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस मिक्सचर को एक बार आप छान लीजिए। छानने से होगा ये कि जो ऊपर के पार्ट तैर रहे हैं वो अलग हो जाएंगे, वरना क्या होगा कि स्प्रे पंप का जो ये पंप वाला पार्ट होता है इसमें जो है पार्टिकल्स फंस जाते हैं और फिर बॉटल हमारी खराब होने लगती है, या फिर बार बार हमें इसका पंप जो है चेंज करना पड़ता है। तो इसको अच्छे से छान कर ही डालिएगा, ऊपर के पार्टिकल्स निकालना जरूरी है। वैसे अगर आप खुले मुंह की बॉटल में डालें तो इसे आप ऐसे ही डाल सकते हैं। हमारा ये सोल्यूशन दोस्तों बहुत ज्यादा काम का है, इसे जो है इस तरीके से यूज जरूर करके देखिएगा। अब इसको यूज करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा छोटा सा कॉटन का टुकड़ा। कॉटन का टुकड़ा लेकर हम क्या करेंगे, पानी से इसको थोड़ा सा गीला करेंगे, इसी पानी से इस सोल्यूशन से गीला करेंगे। ये जो सोल्यूशन होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, तो एक बार में बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक बार में 2 या 2.5 चम्मच सफिशियंट है। तो मैं कॉटन का दोनों साइड अच्छे से गीला कर दे रही हूँ, अच्छे से स्मेल आ रही है, काफी तेज स्मेल है इसकी। अब हम क्या करेंगे कि कॉटन का टुकड़ा जो है उस जगह पर रखेंगे जहां पर चूहा कॉकरोच या फिर आपके कीड़े मकोड़े आने का डर होता है, या फिर अगर वो आते हैं। ये सोल्यूशन चूहों पर भी वर्क करेगा, साथ ही कॉकरोच मक्खी मच्छर या फिर चींटियों पर भी वर्क करेगा। तो जहां भी आते हैं वहां आप कॉटन का टुकड़ा इस तरह से उनके बिल के पास छोड़ दीजिए। फिर आप चाहें तो 5 से 7 दिन बाद ये कॉटन का टुकड़ा चेंज कर सकते हैं, जब इसकी पूरी तरह से स्मेल निकल जाए। या फिर अगर आपके किचन में कॉकरोच उस जगह पर आ रहे हैं जैसे किचन के कैबिनेट्स में आते हैं, या फिर बर्तनों के पास आते हैं, या फिर जहां आपने कहीं खाना वाना खुला छोड़ा उस जगह पर आते हैं, तब आपको क्या करना है कि किचन की जो कैबिनेट्स वगैरह है उनमें आप इस तरह से इस सॉल्यूशन को रब कर सकते हैं, किसी कपड़े की हेल्प से, किसी ब्रश से, या फिर कॉटन से ही आप जो है उस जगह पर इस तरीके से रब कर दीजिए इस सॉल्यूशन को और फिर छोड़ दीजिए। तो ये सॉल्यूशन जो है एक बार आपको वीक डेज तक करने की जरूरत नहीं होगी, आराम से 8 से 10 दिन निकल सकते हैं। उसके बाद जो है आप चाहें तो वापस से इस सोल्यूशन को उस जगह पर रब कर लें। तो ये तो हो गया दोस्तों इस तरह से इस्तेमाल करने का तरीका। इसके बाद से अगर आपने इसको स्प्रे पंप में भरा है तो जहां जहां जिन जिन जगहों पर आपके कीड़े मकोड़े या फिर चूहे वगैरह आ रहे हैं वहां पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। या फिर आपने जो बोतल में भरा है सॉल्यूशन को उसे आप पोछे के पानी में 2 से 3 चम्मच मिला भी सकते हैं। पोछे के पानी में 2 से 3 चम्मच सफिशियंट होगा। थोड़ा सा पानी लीजिए और फिर 3 चम्मच उसमें सॉल्यूशन डालिए और फिर उस पानी से पोछा लगाइए, तो आप देखिएगा कि घर से मक्खी मच्छर चूहे या फिर कॉकरोच वगैरह या फिर चींटियां या फिर किसी भी तरह का इंसेक्ट जो है आने बंद हो जाएंगे। इस सोल्यूशन को बनाकर आप रख सकते हैं, आराम से इसको महीनों दिन तक यूज कर सकते हैं। घर के कोने कोने में इससे जो है आप छिड़काव करिए और अपने घर का बचाव करिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।